और इस समय बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के डोडा में एनकाउंटर शुरू हो चुका है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को घेर लिया है। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की घेराबंदी है इस समय। तो जम्मू के डोडा में एनकाउंटर शुरू। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस समय डोडा से दिखा रहे हैं, जहां पर एनकाउंटर शुरू हो चुका है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और आतंकी हमले पर ये सख्त है सुरक्षा बलों का एक्शन। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद सेना का काउंटर अटैक जारी है, जिस पर इलाके में आतंकवादियों ने गोलियां बरसाकर सुरक्षा बलों के 5 जवानों को शहीद कर दिया था और अब उसी इलाके में आतंकवादियों को घेर लिया गया है, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों की कई टुकड़ियां खतरनाक हथियार लेकर उसी जगह पहुंची और आतंकियों को चारों तरफ से घेर कर गोलियां बरसा दी। कठुआ के मछेड़ी इलाके में हुए बड़े आतंकी हमले के बाद तेजी से आतंकियों की तलाश जो है वो जारी है। इस समय जिमड़िया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां पर लगातार जो तलाशी अभियान है वो सुरक्षा बलों का यहां पर जारी है। मारे जाने के डर से आतंकी कठुआ के इसी इलाके में छिपे बैठे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के जवान भी अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए सिर पर कफन बांध कर निकले हैं और आतंकियों की जिंदगी अब कुछ ही देर की है, क्योंकि जैसे ही वो सुरक्षा बलों के हाथ लगेंगे भारतीय जवान आतंकियों के चीथड़े उड़ा देंगे। जंगलों में लगातार आतंकियों को खंगाला जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इनको ढेर किया जाए और जिन्होंने भी नापाक साजिश को इन हरकत को अंजाम दिया है उन्हें पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर जानू भेज दिया जाए। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले से जुड़ी, आपको बता दें एनआईए के हवाले से ये खबर। कठुआ आतंकी हमले की जांच अब एनआईए क्योंकि कर रही है, तो एनआईए के अफसरों की टीम कठुआ पहुंच चुकी है और एनआईए के अफसरों ने पूरे घटनास्थल का जायजा लिया है। कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुए 5 जवान हैं। सेना के जिस ट्रक पर यह हमला हुआ है उसकी भी जांच अब एनआईए के द्वारा की जा रही है, तो एनआईए के अफसरों ने पूरे घटनास्थल का जायजा लिया है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 जवान हमारे शहीद हुए थे और उसके बाद अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो जिस ट्रक पर यह हमला बोला गया था उस ट्रक की भी जांच एनआईए ने की है। तो कठुआ आतंकी हमले में 5 जवान हमारे शहीद हुए थे और एनआईए के अफसरों ने पूरे घटनास्थल का जायजा लिया है और एनआईए की टीम कठुआ पहुंच चुकी है। Z News.